जी बताएगा। मुल्तान का टेस्ट जारी है और बैटिंग लाइन लड़खड़ाती नजर आ रही है, बहुत बुरी तरह लड़खड़ा के गिर पड़ी है बल्कि। और आपकी कॉल वसूल करने से पहले 9 विकेटें गिर गई थी, मुझे नहीं पता आखिरी विकेट अभी गिरी है नहीं, लेकिन ये बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस है। और हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार ने 7 विकेटें ली थी, उनकी सारी मेहनत पर जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों ने पानी फेर दिया है। और जिस तरह से आज आउट हो रहे थे, लग रहा था जैसे पिछले बतनी ऐसी क्या चीज हो गई है कि रुका ही नहीं जा रहा किसी से। बाबर ने और सऊद शकील ने कल एक अच्छी शराकत बनाई थी, जिसके बाद आज जब बैटिंग शुरू हुई पाकिस्तान की तो महसूस होता था कि अच्छी बर्तरी ले लेगा पाकिस्तान और फिर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। लेकिन बदकिस्मती से बाबर जब आउट हुए तो विकेटों की एक लाइन लग गई। सऊद शकील ने फिर गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला। मोहम्मद रिजवान बहुत ज्यादा मोहतात नजर आए, और जब कोई ऐसे खेलता है तो फिर कभी भी आउट हो जाता है, डर के खेलते हैं। तो आगा सलमान ने भी एक गैर जरूरी शॉट खेला और फिर विकेटें गिरने लगी। फिर फहीम अशरफ कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का खसारा काफी ज्यादा है और पिच जिस तरह की हो गई है और पाकिस्तान को यहाँ चौथी बैटिंग भी करनी है। 250 रन की भी अगर पाकिस्तान को टारगेट मिला, 250 का भी तो बड़ा मुश्किल होगा। और अब फिर दोबारा से देख रहे होंगे सब लोग के मिस्ट्री स्पिनर दूसरे इनिंग में क्या करते हैं, लेकिन जिस तरह की बैटिंग हो रही है उसमें मिस्ट्री स्पिनर 10 विकेट भी ले जाएगा तो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा टीम को, जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। मिर्जा इकबाल बेग स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब कहिएगा, हमने क्या पुरानी गलतियों से सीखा नहीं है? जिस तरह के पाकिस्तान की आज हमने बैटिंग लाइन देखी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान को शिकस्त का खौफ है, शिकस्त का डर है। अगर इंग्लिश टीम 5.4 रन प्री ओवर की रन औसत से रन स्कोर करती है और पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 3.1 रन प्री ओवर की रन औसत से रन स्कोर किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी बैट्समैनों में वो थ्रिल नहीं है, वो जोश जज्बा नहीं है कि बॉलिंग के खिलाफ जो है वो जारहाना अंदाज इख्तियार करें। डाउन हो गए और जिस तरीके से रिजवान बैटिंग करने के लिए आए, कई डॉट बॉल्स खेली। जब आप ज्यादा डॉट बॉल्स खेलेंगे तो प्रेशर आप पर पड़ेगा। आप देखें ना, 142/2 से 167/8 हो गए, तो 6 विकेटें आपकी किस तरीके से गिरी है। और रिजवान के बारे में कहा जाता है कि वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वाइट बॉल क्रिकेट के, वो एक मरतबा फिर नाकाम रहे। सलमान अली आगा को किस खुशी में खिलाया जा रहा है, उन्होंने अगरचे एक मिस सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका में, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक तो इंतखाब दुरुस्त नहीं है। शान मसूद कहाँ चले गए? और जब आप जो रूट जैसे बॉलर को, जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, उनको विकेटें दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है डिफेंसिव मूड में, और सिवाय बाबर आजम और सऊद शकील के कोई और बैट्समैन इंग्लिश बॉलर्स का सामना नहीं कर सका। चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है, रिवर्स स्विंग होगा। इंग्लैंड के पास 3 फास्ट बॉलर मार्क वुड, बेन स्टोक्स और जिमी एंडरसन मौजूद है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर 80 रन की भी लीड ले ली इंग्लैंड ने, तो पाकिस्तान के लिए चौथी इनिंग्स खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ बैट्समैन इसके जिम्मेदार है, सिवाय बाबर आजम पर आप कब तक रिलाई करेंगे? आप बाकी खिलाड़ियों को भी तो खेलना होगा ना, तो बैट्समैनों पर जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।